अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में शवारमा बनाना सिखा रही हूँ। ये आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है तो आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप घर में बच्चों को शवारमा बहुत पसंद होते हैं तो आप घर में साफ़ सुथरे तरीके से बच्चों को बना के दिया करें। तो आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये हमने तकरीबन 300 ग्राम के बराबर चिकन लिया, इसे हमने ऐसे स्ट्रिप्स में काट लिया है। और ये 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें लेमन जूस जाएगा और इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल जाएगा और ये कुछ मसाले हैं जो इसकी मैरिनेशन में, 1 चाय का चम्मच नमक, 1/2 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच दालचीनी पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच आमचूर पाउडर और काली मिर्च पाउडर 1/2 चाय का चम्मच। अब हम ये सारे मसाले जो मैंने अभी आपको बताए हैं इसमें शामिल कर देंगे, साथ ही ये लेमन जूस और ये ऑयल इसमें चला जाएगा। अब इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखें सारे मसाले इसमें मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको ढक के तकरीबन 1/2 घंटा मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। मैंने एक पैन लिया, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल डाला है। इसको मैंने इस तरीके से फैला लिया अच्छे से। अब मैंने जो ये चिकन मैरिनेट किया था ये इसमें शामिल करेंगे। इसे हम अच्छे से कुक करेंगे तो चिकन को। इसमें मैं अब आधा जो कप पानी का डालूंगी और इसको मैं अब ढक के तकरीबन लो फ्लेम पे मैं इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाऊंगी। इसमें हमारा चिकन बिल्कुल गल जाएगा। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये चिकन बिल्कुल गल गया है। अब हम इसमें गार्लिक मायो डालेंगे, ये मैं इसमें डाल के इसे देखिए मिक्स करूंगी और इस तरीके से हम इसको टुकड़ों को तोड़ देंगे। ये देखिए आप इसके ऐसे ऐसे हम टुकड़े कर देंगे चिकन के मायो के साथ, तो इसमें मायो का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। इसको ऐसे दबा दबा के आप इसको तोड़ दें टुकड़ों को। ये देखिए इसके हमने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कर दिया। ये देखिए अब हम इसको बिल्कुल खुश करके तो फिर मैं इसको डिश आउट कर दूंगी। बस ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा चिकन जूसी सा तैयार हो गया। अब मैं इसे डिश आउट करने लगी और अब हम ब्रेड की तरफ चलते हैं। हाफ कप मैंने नीम गरम दूध लिया है, ये 1.5 खाने का चम्मच खमीर या यीस्ट मैंने लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने चीनी का लिया है। अब मैं सब खमीर को और चीनी को दूध में डाल के इसे मिक्स करूंगी। मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसे तकरीबन ढक के 6 मिनट तक रखूंगी, उसमें ये काफ़ी फूल जाएगा हमारा खमीर। अब हम शवारमा के लिए ब्रेड तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2 कप के बराबर मैदा लिया, इसमें मैं 1 टीस्पून के बराबर नमक शामिल करूंगी। ये यीस्ट को मैंने 6 मिनट हो गए हैं आपके सामने दूध में भिगो के रखा था, अब ये राइज हो गया। अब मैं ये सारा इसके अंदर डाल दूंगी। अब हम डो को गूंदेंगे। ये मैंने 1/2 कप दूध में मैंने यीस्ट शामिल किया था,
तो इसको हमने इसमें डाल दिया। तो बाकी मैंने ये पानी लिया हुआ है, ये नीम गर्म पानी लिया हुआ है, तो डो को गूंदने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करूंगी। आपने एकदम से सारा नहीं शामिल करना, थोड़ा थोड़ा सा शामिल करना है ताकि डो आपकी एकदम से पतली ना हो जाए। ये देखें, ये डो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डो को तकरीबन ढक के, आप चाहे प्लास्टिक रैप से रैप कर दें, चाहे किसी कपड़े से रैप करके, हम इसको तकरीबन 1.5 घंटे के लिए किसी कबर्ड में या किसी ओवन में आप रख दें तो ये राइज हो जाएगी। ये मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया, अब मैं इसे कवर करके एक कबर्ड में रख दूँगी। ये देखें 1.5 घंटा हो चुका है, ये देखें डो हमारी बिल्कुल राइज हो गई है। अब मैंने अपने हाथों पे ऐसे ऑयल लिया है और मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा, फिर ये स्टिकी सी होती है, एक दफ़ा मैं इसको दोबारा से इस तरीके से प्रेस कर करके गूंदूंगी। इससे ये होगा कि इसका जो जितनी भी एयर इसके अंदर है वो सारी निकल जाएगी। ये देखिए मैंने अब इसको गूंद लिया, अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। इसके मैं तकरीबन इसके 4 पेड़े बनाऊंगी। मैं इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। ये देखिए मैंने आपको 4 पेड़े कहा था लेकिन इसके 3 ही पेड़े बने हैं, तो हमने इसको 3 हिस्से बराबर हिस्सों में तकसीम करके 3 पेड़े बना दिए। अब हम इसको बेलेंगे। अब ये मैं शेल्फ पे कुछ मैदा स्प्रिंकल करूंगी और अब हम इसको साइडों से थोड़ा से ऐसे पतला कर देंगे। ये देखें रोटी हमने बेल ली है, ये देखें इतनी मोटाई में मैंने वो रोटी को बेला है। ये देखें आप इस तरीके से, थोड़ा सा मैं इसको और पतला करूंगी। ये देखें रोटी हमने बेल ली है, ये देखें इस तरीके से। अब मैं इसको तवे पे डालूंगी। ये देखें ब्रेड को हमने बगैर ऑयल के इस पे हमने सेकना है। ये मैंने नॉन स्टिक पैन लिया हुआ है, इस पे मैं इसको बना रही हूँ। अभी एक साइड से हो जाएगी तो मैं इसको टर्न करूंगी। फिर इसको साथ साथ हम इस तरीके से घुमाते जाएंगे ताकि चारों तरफ से सही तरीके से सेक पड़ जाए। ये क्या, अब मैं इसको टर्न करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना अच्छा इस पे कलर आ गया है। अब इसी तरीके से हम इसे दूसरी तरफ से भी पकाएंगे। ये देखें अब मैं इसे भी टर्न करके आपको दूसरी साइड से भी दिखा रही हूँ। ये देखें दूसरी साइड पे भी इसके कलर आ गया है। बस अब मैं इसको निकालने लगी हूँ। इसी तरीके से हम अपने तीनों ब्रेड बना लेंगे। ये देखिए हमारी ब्रेड तैयार हो चुकी है, अब हम इसको असेंबल करते हैं। अब हम शॉर्मा को असेंबल करेंगे। ये मैंने रेड सॉस और वाइट सॉस बनाई हुई है। ये मैं पहले से अपलोड दोनों की रेसिपीज़ कर चुकी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और कमेंट बॉक्स में जाके इसका लिंक मैंने शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से उसको क्लिक करके इन दोनों की रेसिपीज़ देख सकते हैं। ये मैंने एक ही वीडियो में दोनों रेसिपीज़ बनाई हुई हैं। ये जो हमने चिकन बनाया था वो है, और ये कुछ वेजिटेबल हैं, कुछ मैंने बंद गोभी काटी हुई है, ये गाजर है और ये खीरा है। इस पर हम कुछ लेमन का जूस डाल देंगे ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। चलिए अब हम अपने शवारमे को असेंबल करते हैं। अब हम शवारमा को असेंबल करेंगे। सबसे पहले मैंने जो रेड सॉस बनाई थी ये मैं इसके ऊपर इस तरीके से सारी स्प्रेड कर दूंगी। आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, वरना फिर हल्की सी डालें। और अगर आपको स्पाइसी नहीं बिल्कुल भी खाना तो आप सिर्फ वाइट सॉस भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें चिकन के पीसीज रखूँगी। चिकन हमने रख दिया, अब हम इस पे कुछ खीरे के पीसीज रखेंगे।
ये बंद गोभी कुछ मैं इसमें डाल रही हूँ, इसके ऊपर गाजर के चंद टुकड़े डाल के अब मैं इस पे ये वाइट सॉस डाल रही हूँ। इसका बहुत ही अच्छा शॉर्मे में फ्लेवर आता है वाइट सॉस का। अब हम इसको हल्के हाथ से इस तरीके से करके इसको रोल कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने रोल कर दिए। अब बाकी ब्रेड को भी मैं इसी तरीके से रोल कर दूंगी। देखें ये शॉर्मा सारे रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।